राधे राधे गुरु जी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। हमारी सिस्टर का सवाल ये है कि अशुद्धि में तुलसी का माला धारण कर सकते हैं अगर पहने हुए हैं पहले से? अब पहने हुए हैं तो पहने रह सकते हैं, और यदि पहने ही रहें तो ज्यादा अच्छा। हमारे मायके में कहते हैं लोग कि जो इसके आदमी नहीं होते हैं, विडो हो जाती, वो पहन सकती है, कन्याएं नहीं पहन सकती। तुलसी की माला सब पहन सकते हैं और सब समय पहने रह सकते हैं। तुलसी अपने आप में कल्याणकारी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कोई कहे कि मासिक धर्म में स्त्रियों को तुलसी नहीं पहननी चाहिए, थोड़ी देर के लिए मैं इस बात से सहमत हो भी जाऊं, तो माना कि किसी स्त्री ने तुलसी उतार के रख दी और वो मासिक धर्म में है, इसलिए अचानक तुलसी उतरी रखी है, उसके शरीर में तुलसी नहीं है, और तभी अचानक ना करे भगवान और उसकी मृत्यु हो जाती है, है ना? तो अशुद्धि के दिनों में माना मृत्यु हो गई तो क्या होगा? तुलसी यदि उसके गले में है, तुलसी पद्म पुराण में तुलसी की महिमा है कि जिसके गले में तुलसी का एक भी दाना होगा, यदि उसकी मृत्यु होती है तो यमदूत उसका स्पर्श नहीं कर सकते, उसे भगवान के पार्षद ही लेकर जाएंगे, केवल तुलसी की महिमा है। तो इसलिए उस स्थिति में भी आप तुलसी धारण किए रहें, कोई दिक्कत नहीं। मेरा दूसरा सवाल गुरु जी ये है कि मेरे लड्डू गोपाल पिछले साल खंडित हो गए थे, तो मैंने विसर्जन नहीं किया था उनका, इस साल किए हैं, तो हम दूसरे लड्डू गोपाल लिए, हमारे कोई संतान नहीं तो हमको अपना बेटा मानते हैं, तो हम जब पूजा करते हैं तो उनके चरण छूना चाहिए या ना छूए? ठीक है, पुत्र भाव मानते हैं, उनके चरण वह भगवत भाव भी है, वो भगवान भी हैं, पुत्र भी हैं, तो भगवान के भाव से प्रणाम कर लिया करो, पुत्र के भाव से लाड़ कर लिया करो। और हमारा तीसरा सवाल ये है कि जैसे ज्योति हम जलाते हैं दीपक, तो उसको अस्त करना चाहिए खुद से या अपने आप हो जाए? नहीं, जला के छोड़ दो, वो अपने आप बुझ जाएगी, उसको बुझाना नहीं है। अच्छा, राधे राधे गुरु। राधे राधे। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलेंगे। गुरुजी राधे राधे। जी भैया, आपका सत्संग बहुत सुना मैंने और आनंद भी आया। मेरा एक सवाल ये है कि जब हम गुरु मंत्र धारण करते हैं तो हमारे पूर्वजों का कहना है या जो गुरुदेव हैं उनका ये कहना है कि गुरु धारण करने के बाद जो हमारी घर की परंपराएं हैं, जैसे पितृदेव है, मावस है और भी तीज त्यौहार है, तो उन्हें नहीं करना चाहिए, तो क्या ये सत्य है या नहीं? भाई, गुरु मंत्र लेने के बाद एकादशी करनी चाहिए, रामनवमी करनी चाहिए, कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करना चाहिए, है ना? और तीज त्यौहार भाई, जो हमारे यहाँ दीपावली आएगी तो हम दीपावली मनाएंगे, होली आएगी तो होली मनाएंगे, मकर संक्रांति आएगी तो मकर संक्रांति मनाएंगे। तो गुरु मंत्र लेकर हमें और ज़्यादा से ज़्यादा एकादशी इत्यादि भी ऐड कर लेना चाहिए। और जो करते हैं भाई, हम हिंदू लोग हैं ना, हम सारे त्यौहार मनाते, दशहरा भी मनाते हैं, दीपावली भी मनाते हैं, तो तीज त्यौहार तो करना ही चाहिए, मतलब सारे तीज त्यौहार करने चाहिए। हाँ, छोड़ना कुछ नहीं है, छोड़ना है तो तीज त्यौहार नहीं, अपनी बुराइयों को, अभिमान को, क्रोध को, लोभ को, अपने अंदर के जितनी गलत भावनाएं हैं उनको। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि मेरा नमन सह प्रणाम। खुश रहिए। मेरा ये सवाल है कि आज के युवा पीढ़ी पूजा पाठ में थोड़ा कम मन लगाते हैं, तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि वो अपनी दिनचर्या का शुरुआत कैसे करें जिससे भगवान भी खुश हों, उसका मन भी लगे और अपना सकर्म जो अपना उसका दिनचर्या कार्य है वो भी सुचारू रूप से कर सके। कक्षा में हम यही सबसे ज़्यादा बताते हैं कि काम खूब करो, पैसा खूब कमाओ, भगवान के लिए अलग से समय निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करते हैं? मैं बैंक में जॉब करता हूँ। बैंक में जॉब करते हैं। आपका विवाह हो गया? जी, विवाह, बच्चे और पत्नी दोनों साथ। अच्छा, तो देखो भगवान की भक्ति कैसे करना है, आपको अलग से समय आप निकाल लें ध्यान करने के लिए भगवान का, तो वो बहुत अच्छा है, पर नहीं निकले समय तो आप ऐसा करिएगा, इस भाव से हमें काम करना चाहिए, ये मानकर कि हे प्रभु, ये परिवार मेरा नहीं आपका है, ये घर मेरा नहीं आपका है, और मैं जो भी कमा रहा हूँ
उस कमाई से ये आपके परिवार की सेवा होगी और जो बचेगा उससे आपकी सेवा जो बनेगी करेंगे। हम चलते खाते उठते बैठते काम करते बस इतना कहते रहें कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। काम करो बैंक में बैठे हो, अंदर चलता रहे श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, भगवत चिंतन चलता रहे, काम ना छूटे पर अंदर से ये बना रहे कि हम भगवान के हैं। भगवान से संबंध बनाना ही भक्ति है, सिर्फ माला जपना भक्ति है ऐसा नहीं है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये बात मन में गांठ बांध लेना, यही भक्ति। राधे 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 राधे, खुश रहिए। अब जो सवाल रह गए हैं आप लोगों के, अब कल प्रश्नोत्तरी होगी तो कल प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, सबको जय श्री। समय हो गया ना, अब जो YouTube पर जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें, बाकी सवालों के प्रश्नों के उत्तर कल आपको देंगे। सबको जय श्री मन्नारायण, राधे राधे, शुभ रात्रि।